हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल सारूज एम्पायर। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में नो मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ। लाइक मुझे कहीं भी पार्टी में जाना होता है तो मैं बहुत ही क्विक और बहुत ही नेचुरल लुक वाला मेकअप करती हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज देखते होंगे तो आपको पता होगा और आप जानते होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है, मैं बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट और नेचुरल दिखने वाला मेकअप वीडियो शेयर किया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और वेलेंटाइन से आ रहा है तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से मैंने मेकअप किया है, जो बिल्कुल नेचुरल लगता है और बहुत ही करना इसको आसान। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरा फेस एकदम क्लीन है, मैंने अपने फेवरेट फेस वॉश से अपना फेस वॉश किया है। आप भी जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे अपना फेस अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद यहाँ पे अपने हेयर्स को मैं पिनअप कर रही हूँ, जिससे जब मेकअप करूँ तो मेरे फेस पे वो ना आए। हमारे मेकअप का जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ये वाली सीरम है, ये प्लम विटामिन सी सीरम, जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे यही वाली दिखा रही हूँ। इसको ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके फेस पे डालना है और बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको प्लम ही करना है, आप जो भी यूज़ करते हैं जो भी ब्रांड वही आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम यूज़ करना बिल्कुल स्किप ना करें, ये मेकअप से होने वाले हार्म से हमारे फेस को प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा डेली में भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो यूज़ करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट मेकअप का स्टेप है हमारे ये वाले मॉइस्चराइजर क्रीम, जो अपने फेस पे मैं बहुत अच्छे से बहुत सारी लगा रही हूँ। ये लोटस वाइट ग्लो क्रीम है, जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, जो भी आप डेली में यूज़ करते हैं, जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने इस चेहरे को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजर किया है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर आपके फेस पर रहेगा, आपका जो मेकअप वाला लुक है उतना ही ज़्यादा ग्लोसी, उतना ही ग्लोइंग, उतना ही नेचुरल लगेगा। तो अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई ना रखें, जितना ज़्यादा हो सके मॉइस्चराइजर आप यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाया, आप देख सकते हैं। अब हमारे मेकअप का जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ये वाला फाउंडेशन है, ये है कलर बार का ऑल इन वन फाउंडेशन, जो मैं अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ, मतलब यही वाला रूटीन में यूज़ करती हूँ। तो ये वाला हमें ऐसे लेकर के जहाँ जहाँ हमें लगाना है वहीं पे लगाए, पूरा पूरे फेस पे एक साथ ना लगाए, उससे क्या होगा ड्राई हो जाएगा तो फिर अच्छे से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला ब्लेंडर लेके ऐसे डैप 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 करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे जिस जिस जगह लगाना मैं उसी जगह लगा रही हूँ, पूरे फेस पे लगा दूंगी तो फिर वो ड्राई हो जाएगा और अच्छे से फेस पे ब्लेंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेरे को जहाँ जहाँ लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझे अनइवन स्किन है मेरी, वहाँ वहाँ पे लगा रही हूँ। तो आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें अपने फेस पे तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। पूरे फेस पे लगाने के बाद हम उसको ब्लेंडर से डैप डैप करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है वो एरिया, क्योंकि हम पूरा एक साथ अप्लाई तो कर नहीं सकते, हमें टाइम लगता है। तो जिस जिस जगह आप लगाएं उस जगह आप ब्लेंडर से डैप डैप करते जाएं और थोड़े थोड़े एरिया में लगाएं, उससे बहुत अच्छे से लगेगा और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे वो ब्लेंड हो जाएगा, मतलब अच्छे से मतलब लगेगा, लाइक ड्राई नहीं होगा आपका फेस। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लगाती हूँ, जैसे मैं लगाती हूँ वैसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप यही वाला तरीका ट्राई करें, उससे बहुत ईजी हो जाता है लगाना और बहुत अच्छे से पूरे फेस पर इवनली लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेकअप का नेक्स्ट स्टेप है, ये कॉम्पैक्ट मैं लगा रही हूँ और मेबलिन का कॉम्पैक्ट है ये। आप चाहो तो कोई लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमें कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ करना ज़रूरी है, उससे अच्छे से सेट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे मेकअप का है, वो हम आईब्रोज को सेट करने वाले हैं। उसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी की ये वाली ब्रो पेंसिल ली है, जो कि ब्राउन शेड में है। तो यहाँ पर ये आईब्रोज़ को बहुत नेचुरल लुक देती है और बहुत ही अच्छे से शेप इनका आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से शेप करने के बाद में मैंने इसके बैक साइड में एक ब्रश और कॉम्ब होता है उसको यूज़ किया, उससे आईब्रोज बहुत अच्छे से कॉम्ब हो जाती है। और उसके बाद में इससे जो भी आईब्रोज बनती है, लाइक जो भी आप शेप देते हो, बहुत ही नेचुरल लगती है और बहुत अच्छे से लेंथ वगैरह सब आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेकअप का जो नेक्स्ट स्टेप है, वो हम यहाँ पे लिप्स करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया सुगर की हेल क्रायन लिपस्टिक। तो इसका जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है, और जो सुगर है उसके बहुत सारे शेड आपको मिल जाएंगे अगर आप चेक करेंगे तो। और इसकी जो लिपस्टिक है ना, लॉन्ग लास्टिंग होती है और स्मज प्रूफ होती है, मतलब आप 12 आवर्स तक रख सकते हैं। अगर आप खाएँगे पियेंगे कुछ भी करेंगे तो आपका मेकअप, मतलब लिपस्टिक ख़राब नहीं होगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सुगर की वाली लिपस्टिक, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, ये थोड़ा सा
लाइट न्यूड है, इसमें आपको बोल्ड शेड भी मिल जाएंगे, रेड पिंक हॉट पिंक सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे मेकअप का स्टेप है वो है हम यहाँ पे अपना आई शेडो मतलब करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी की आई शेडो प्लेटें यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे हम न्यूड वाला शेड यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो शेड है मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है, तो जो भी शेड आपकी ड्रेस से मैच करे लाइक सिल्वर गोल्डन ग्रे या आपको स्मोकी आइज़ करनी, तो बट यहाँ पे मैं स्मोकी आइज़ मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, इसीलिए मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा न्यूड शेड में है जो कि मेरी ड्रेस के साथ जा रहा है। मुझे बहुत ही लाइट मेकअप करना, तो यहाँ पे मैं कोई और शेड यूज़ नहीं करूँगी, लाइक यहाँ पे मैं ग्लिटर्स भी यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि हम बहुत ही नॉर्मल बहुत नेचुरल दिखने वाला मेकअप करेंगे, ठीक है। और ये मेकअप बहुत ही सिंपल और क्विक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टेप मैंने दिखाए हैं सारे बहुत सिंपल है, इनको कोई भी कर सकता है, और इनको करने के बाद बहुत ही अच्छा मेकअप लुक आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे मेकअप का स्टेप है वो हम अपने गालों पे थोड़ा सा ब्लश करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे LA18 लिक्विड लिप कलर यूज़ किया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर 100 रुपीज़ में ये मुझे मिल गई थी, और यहाँ पे आप अपने चिक पे लगा के ऐसे ऐसे ब्लश इसको कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से देखो ब्लश हमारे चिक हो गए हैं, ठीक है। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा स्टेप है, इसको आप बिल्कुल स्किप ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो मेकअप का स्टेप है वो है हमारे आईलाइनर, तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये वाला आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और इसको यूज़ करना इतनी आसान है क्योंकि ये लिक्विड नहीं है। लिक्विड यूज़ करने पे क्या होता है कि हम अच्छे से नहीं कर पाते, अगर बिगिनर्स की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है लिक्विड लाइनर यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं पेंसिल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ जिसके बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी लाइनर लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं लिक्विड बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे पेंसिल वाला लाइनर ही यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लाइनर अपना लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने लाइनर लगा लिया है, और वैसे मैं लाइनर लगाती नहीं हूँ, बहुत रेयर लगाती हूँ, मेरे को इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट पेंसिल लाइनर होने की वजह से मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है, बहुत ही मैंने ऐसे थिक वाली लाइन बनाई और बहुत अच्छे से परफेक्टली बन गई है। तो अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ लिक्विड लाइनर बिल्कुल यूज़ ना करें, सबसे पहले पेंसिल लाइनर से ही आप लाइनर बनाना सीखें, वो बहुत ज़्यादा आसान होगा और बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल, मतलब एक बार में बन जाएगा। और देखो अच्छे से मैंने भी यहाँ पे बना लिया, लगा लिया लाइनर, ठीक है, और बहुत अच्छे से लगा है, एकदम परफेक्ट बोल सकते हैं ना। वैसे मेरे को आदत नहीं है लगाने की, तो इसीलिए मैं लिक्विड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। नेक्स्ट जो हमारे मेकअप का स्टेप है यहाँ पे वो है मस्कारा, तो मस्कारा बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, उससे हमारी आईज़ थोड़ी सी बिग दिखती है, अच्छे से दिखती है, और मेकअप आई मेकअप का सबसे मेन पार्ट है। तो यहाँ पे मैं फेसेस कैनेडा का ये वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा है, और प्राइस भी इसकी बहुत अफोर्डेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। तो मस्कारा भी बहुत अच्छे से लग गया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, और हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट आईज़ का मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टेप है मेकअप का वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी टाइप वो है यहाँ पे हाइलाइटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पे मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं। हाइलाइटर लगाने से क्या होता है कि हमारे फेस का जितना भी ग्लो है ना वो सारा अलग ही दिखता है, तो थोड़ा सा हाइलाइटर आप ज़रूर यूज़ करें जिसे मैं कर रही हूँ, और इसको आप फिंगर टिप से भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रशेस से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ही लगाना, तो मैं यहाँ पे फिंगर टिप से ही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से लग भी गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम हेयर्स करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरे स्ट्रेट हेयर है जो थोड़े वेवी वेवी हो गए हैं रबर बैंड लगाने की वजह से, वो मैंने कल ही शैम्पू किया था, आज नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें कुछ बेबी हेयर्स यहाँ पे सेट करने हैं, जब भी हम स्ट्रेट हेयर होते हैं और उनको ऐसे सेंट्रल पार्टीशन के साथ सेट करते हैं तो बेबी हेयर्स बड़े परेशान करते हैं। यहाँ पे मैं लोटस की वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो हेयर वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इससे मैंने अपने बेबी हेयर सेट कर लिए हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म लाइक अब प्रोफेशनल लुक चाहते हैं अपने हेयर्स का, तो आप हेयर वैक्स यूज़ करें, उससे आपके सारे बेबी हेयर्स अच्छे से सेट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक जो कि एकदम सोबर लग रहा है, और मुझे उम्मीद आप लोगों को मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा। हे
गाइस, तो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने अपना मेकअप लुक शेयर किया जो मैं करती हूँ, और मुझे ये वाला मेकअप लुक करना पसंद है जिसको करना बहुत आसान भी है। और मुझे उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये मेरा स्टोर का जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले स्टोर को चेक करना ना भूलें। आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग हॉल्स मिल जाएंगे, मेकअप वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो इतना ही आज तक के लिए, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।